जय श्री कृष्ण। आयुर्वेद और विज्ञान के चैनल में स्वागत है आपका। विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन सोर्स होता है सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पूरे साल में से 9 महीने हमें सनलाइट मिलती है, फिर भी लोगों में विटामिन डी की कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों है? इसका मेन कारण है कि हम लोगों ने धूप में बैठना छोड़ दिया है। हम इस डर से धूप में नहीं बैठते हैं कि हमारी स्किन टैन हो जाएगी, और गलत टाइम पर धूप में बैठते हैं। इसका एक और रीजन भी है कि आजकल हम लोग फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट में हर किसी को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से हमारे घुटनों, हमारे मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को थकान बहुत महसूस होती है, बाल झड़ने लगते हैं और स्किन बहुत ड्राई होने लगती है। कुछ कुछ लोगों को तो डिप्रेशन भी होने लगता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सनबाथिंग। इसीलिए सुबह धूप में जाएं, सुबह की गुनगुनी धूप में और सूर्य की रोशनी में खुलकर सांस लें। जितना हो सके उतने कम कपड़े पहने, जिससे आपके शरीर को पर्याप्त धूप मिले। इससे आपके विटामिन डी की कमी तो दूर होगी, आपका मूड भी फ्रेश होगा और आप खुश भी रहेंगे। देसी गाय का दूध। देसी गाय के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारे विटामिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसीलिए दूध पीने से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए फिश और एग तो बहुत ही अच्छे सोर्सेज है। फिश में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, और एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें भी विटामिन डी होता है। इसके अलावा मशरूम है जो उसमें काफी प्रोटीन और विटामिन डी होता है, और संतरे का जूस जिसे कहते हैं कि उसमें विटामिन सी होता है, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल जो हमें फिश से मिलता है, और इसमें भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। धूप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो हमें विंटर्स में पता चल ही जाता है, और मैं बाहर रही हूँ, मैंने विदेशों में भी देखा है कि जब समर स्टार्ट होता है तो वो पूरा दिन धूप में लेटे रहते हैं। तो आप लोग भी धूप से बचे नहीं, धूप में जाए, सुबह और शाम की गुनगुनी धूप लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फॉलो जरूर करें। आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपनाइए कृपा शक्ति। दवा छोड़े, जिंदगी बचाएं, कृपा शक्ति अपनाएं। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति।